लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ने बताया था कि टीचर बेगुनाह है, फिर पुलिस उन्हें पकड़कर क्यों ले गई माँ? किसी ने कानून बनाया, किसी ने इसे गलत पढ़ा, कुछ गलत मतलब निकाल कर फैसला लेते हैं। कोर्ट भावना देखकर नहीं, सबूत देखकर फैसला लेता है। क्या ऐसा कोई नहीं है जो उस अपराधी को सजा दे सके? आम लोगों की तुझे जरा सी भी परवाह नहीं है क्या? रोड पे तू बंदड़े मनाएगा? ए, कॉर्पोरेटर को मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ए,
पुलिस को बुलवा के तुझे अंदर करवा दूंगा रे। ये ले, जिसे भी बुलाना है बुला। Come on, move, move। ए एसआई, स्टेशन में भजिया तल रहा है क्या? यहाँ मुझे कुत्ते की तरह धो रहा है ये। जल्दी आ। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल मिस्टर जनार्दन एक सरकारी मुलजिम है। इनकी समाज सेवा ने बहुत से परिवारों की मदद की है। इनको जिस प्रकार इन्होंने मारा है वो अमानवीय है। इस गुनाह के लिए इन्हें कठोर शिक्षा देकर एक उदाहरण स्थापित किया जाए। अगर ऐसा लोकप्रिय इंसान उसका ऐसा अपमान होने की वजह से समाज सेवा करने से पीछे हट गया तो हमारा समाज एक मदद करने वाला हाथ गवा देगा। बताओ, तुमने इसकी पिटाई क्यों की? इन्होंने जो समाज सेवा की है वो मुझे जरा भी पसंद नहीं आई। ऑर्डर ऑर्डर, तुम्हारा वकील कौन है? मैं हूँ योना। बेटा शेर है तो माँ सवा शेर है। जो भी इन दोनों के बीच में आएगा पक्का पागल हो जाएगा। मिस्टर जनार्दन, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मेरे मुवक्किल मोहनदास ने यही सवाल पूछा था। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? इस कॉर्पोरेटर को जनता को परेशान करने का अधिकार आखिर दिया किसने? आम आदमी को इस तरह से तकलीफ देना इन जैसे लोगों के लिए खेल बन गया है। अगर कोई सवाल पूछे तो उनकी बेइज्जती करते हैं ये। फिलॉसफी छोड़िए, कम टू द पॉइंट। आपको भी गुस्सा आ रहा है ना योना? इसी तरह इसे भी गुस्सा आया था, लेकिन वो खुद के लिए नहीं आया था, लोगों के लिए आया था। केवल इनका जन्मदिन मनाने के लिए इन्होंने पूरा ट्रैफिक जैम कर दिया था। इनके इस कारनामे की वजह से एक गर्भवती महिला, एक बीमार बच्चे के माँ बाप, इंटरव्यू को जाने वाला एक युवक, ये सभी लोग परेशानी में थे और सब बहुत गुस्से में थे। और इन सभी लोगों की परेशानी को समझने वाले मेरे मुवक्किल मोहनदास थे। इतना गुस्सा आने के बावजूद मेरे मुवक्किल ने शांति से इनसे सवाल पूछा, लेकिन इन्हें सवाल पूछने का इनाम ये मिला योना। योर ऑनर, कोर्ट को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए योना। एक कॉर्पोरेटर होते हुए भी पुलिस की परमिशन नहीं ली, इसलिए आईपीसी 213 परमिशन ना लेकर पुलिस को रिश्वत देने के लिए आईपीसी 453 बिजली के खंबे से बिजली चुराकर बिजली विभाग से धोखाधड़ी की, आईपीसी 403 अगर कोई रास्ते पर अपना बर्थडे मनाता है तो वो मानसिक रोगी होगा, तो कोर्ट को चाहिए कि इन्हें पागल खाने भेज दिया जाए। लेकिन अगर दिमाग सही होकर भी उन्होंने ये अत्याचार किया है तो इन्हें जेल भेजना चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तुम्हारा हाथ टूटा है इसलिए इस बार तुम्हें बख्श देता हूं, लेकिन कानून को कभी हाथ में मत लेना, समझ गए? सर, एक रिक्वेस्ट है। क्या है? कल मैंने और भी कुछ समाज सेवकों से न्याय की मांग की थी सर, आपने कानून को हाथ में न लेने की सलाह तो दे दी, लेकिन इनके गुंडे कानून को जेब में, सॉक्स में, शर्ट में, जबान पर रखकर मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं। जब वो मुझ पर हमला करेंगे तब मैं खुद को बचाकर आपके सामने आ जाऊंगा सर, तब आप न्याय कर देना। हाँ, नागा, पुलिस को इसकी तलाश है। दो मर्डर केसेस, सेल्वा अटेम्प्ट टू मर्डर केस में वांटेड है, मनी एक्सटोर्शन केस, कांचा पेरोल पर बाहर है। इनके हाथ पैर तोड़ दिए जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा। बकवास कर रहा था। लॉयर को रूल सिखाएगा तो? क्या नाम है तेरा? मोहनदास।
सन ऑफ पार्वती। मेरी माँ कानून के रास्ते पर चलती है और मैं माँ के रास्ते पर चलता हूँ। सेवा करती है, वीणा बजाती है, मेरे बेटे के लिए ये परफेक्ट बीवी होगी। सर, परमिशन के बिना अंदर नहीं जा सकते सर। मेरा बाप कौन है तुझे पता नहीं? चल खोल। सर, मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। Come on, let's go. पीछे देखो। इंस्पेक्टर, ब्राउन रंग की बेंज KA02MH2134, जल्दी पता लगाइए किसकी कार है। अरे जल्दी जल्दी काम करो, लड़के वाले बहुत नाराज हो रहे हैं, वैसे इतनी देर हो चुकी है। मिस्टर नरेश, देखिए मैं भी मंगला का भाई ही हूँ, वो मुझे कई सालों से राखी बांध रही है, मुझे भी कुछ काम दीजिए। जो तुम्हें दिखता है उसे अनदेखा कर दो, यही तुम्हारा काम है। अब ये कैसा काम है? शादी ब्याह में बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है और वैसे भी हम लड़की वाले हैं तो हमें लोगों से प्यार से पेश आना होगा। हाँ, लड़के वाले फिल्टर कॉफी मांग रहे हैं। क्या उन्हें कॉफी नहीं थी? मैं देखे। अरे तू रुक जा, तू ज्यादा ही गर्म कॉफी दे देगा। मैं लड़की वाला हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी एडजस्ट कर लूंगा। नमक मिर्चा डालने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। ये शुगरलेस, सॉल्टलेस, हॉटलेस, फैटलेस खाकर हमारा सारा समाज सीडलेस हो गया है। ये ले जाकर रवि को भेज दो, मैं तुम्हें बाद में आकर मिलता हूँ। रुक जाइए, प्लीज मत जाइए, अगर आप चले गए तो शादी का फिर क्या होगा? मैं वो सामान पिसवाने जा रहा था लेकिन उसने मुझे पीस दिया। प्लीज, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। जहाँ मेरा अपमान हुआ मैं वहाँ खाना नहीं बनाऊंगा, किसी को बनाने भी नहीं दूंगा, हमारी भी यूनियन है। सुनिए प्लीज रुक जाइए, देखिए शादी टूट जाएगी, प्लीज रुक जाइए, मैं माफी मांगता हूँ, मत जाइए। अरे क्या हो गया, पता तूने क्या किया है? जो गलत करता है उसे मारता हूँ और अच्छे इंसान को तकलीफ ना हो इसका ख्याल रखता हूँ। सुनो माँ, आप कहाँ हो? वैसे ही बहुत देर हो गई। मेरे दोस्त, इसे खाकर लड़के वाले तो मुंह ही नहीं खोलेंगे। राजू, ये किस बेवकूफ ने लिखा है?
नाम तो सही लिखा है, लाल कलर आपको पसंद नहीं है क्या? बकवास बातें करेगा तो मुंह लाल कर दूंगा। अरे मेरा तो मन कर रहा है कि किसी गंदी नाली में जाकर मर जाऊं मैं। इसमें भड़कने वाली ऐसी कौन सी बात है? अरे सब कुछ उल्टा पुल्टा लिखा है। हमारे खानदान में हमेशा लड़के का नाम ऊपर होता है, लड़की का नाम नीचे होता है। कब से चिल्ला रहा हूँ, यहाँ सब बहरे हो गए हैं क्या? जी मैं दुल्हन का भाई हूँ। दुल्हन का भाई हो या मुंबई का भाई हो, मैं नहीं डरता। अब मैं जो बोलूंगा वही होगा, समझ गए? ठीक है। तो सुन लो, सारी रस्में, खाना, सुहागरात की जगह भी, ये सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा। सारे शहर के लोग वो देख कर तंग रह जाएंगे। तुम्हारी सुहागरात डिसाइड करने वाले ये कौन है? ये मेरे मामा जी है। शक्ल से अमरीशपुरी है पर अंदर से उत्पल दत्त। बावर्ची कौन है यहाँ पर? नमस्ते सर। ये क्या है? लड्डू है सर। कैसा है? टेस्टी है सर। टेस्ट नहीं रे, साइज के बारे में पूछ रहा हूँ। लड्डू की साइज से पता चलेगा कि तुम लड़के वालों की कितनी इज्जत करते हो। साइज छोटा हुआ तो मेहमान हमारा मजाक उड़ाएंगे। लोग हमसे कहेंगे कि तुम्हारे परिवार की इज्जत तो अंगूर से भी छोटी है रे। हमारे परिवार को देखकर तुम्हें पहाड़ जितना लड्डू बनाना चाहिए। मेरी बात नहीं मानी तो शादी होने नहीं दूंगा। मेरे पैर पकड़ने से लड्डू की साइज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा। ये जो तुम्हारा लड्डू है ना, इतना तो हमारे घर की एक चींटी खा जाती है। सर दो साइज हैं, ये या ये। लगता है मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। लड्डू अंकल, लड्डू की साइज के बारे में आप क्या ख्याल है? नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। भाई हाँ, लगता है ये आटे को लड़की समझ रहा है। तभी तो पूरी इतनी गोल बनी है। सरस्वती हमारी मंगला की बेस्ट फ्रेंड है। सु 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 लड़की है? सुंदर, सुशील, सुशिक्षित लड़की। तुम दोनों की शादी तो उस दिन उस रोड पर ही हो गई थी बेटा। वही मेरी बहू है और मैं उसकी सास हूँ। तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चों की माँ, मेरे पोते पोती की माँ। जल्दी जाओ और उसे आई लव यू बोल दो। अपनी माँ की इच्छा पूरी कर दे भाई। अब माँ फोन उठाकर स्पीकर पर डालो ना। बात करो। हेलो। हेलो, सरस्वती बोल रही हूँ। हाँ बोलो बोलो। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी। लड़की की मदद करनी हो
तो सारा गांव तैयार हो जाता है। हेलो। हाँ, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। गुड हैबिट। उसके बाद मैं गाने का रियाज करती हूँ। ये तो और भी अच्छी आदत है। हाँ, तो मुझे गागल करना है, इसलिए थोड़ा नमक, गरम पानी और शहद मेरे कमरे में ले आना बावर्ची। हेलो हेलो बावर्ची, हेलो बावर्ची। हेलो बावर्ची। माँ। ए, मेरी कॉफी कहाँ पर है? मुझे टॉयलेट जाना है रे। गुड मॉर्निंग मोहन। शुक्र है, आपको मेरा नाम तो पता है। सॉरी, मुझे तुम्हारा नाम लेट पता चला। लेकिन मुझे तुमसे प्यार है, ये मुझे जल्दी पता चल गया। व्हाट? सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी माँ को भी तुम बहुत पसंद हो। तो हमारे घर आओ, मेरी माँ से मिल लो, हमारे साथ वक्त बिताओ, तो तुम भी हमें बहुत पसंद करोगे। तुम्हारी नाक बहुत प्यारी है। अरे माँ, क्या हुआ? अरे सरस्वती, तू उस मोहन के घर जाने वाली है ना? अब तक सोचा नहीं। और अगर तेरे पिताजी ने मना किया तो? उनसे कहूंगी कि दादी ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया। जितना मैं साइकिल के पीछे भागा हो ना, उतना ही पैसे के पीछे भागता तो अंबानी बन गया होता। सेठ जी, हमारा बंगला, हमारी गाड़ी और पेट्रोल उसका। मुझे जरा सोचने है? लगता है सीधा भगवान को कंप्लेन करेंगे। मेरी कार पर पेशाब करा है? बाप तो काले सांड से डर गया, देखते हैं बेटा क्या करता है। चैन से करने भी नहीं देते गधे। Where is this nation going? हो गया, yes. लोग नहीं बदले तो देश नहीं बदलेगा। अवेयरनेस होनी चाहिए, रिवॉल्यूशन होनी चाहिए। ये सब मैंने फेसबुक पर डाला है। अपने बाप का श्राद्ध भी फेसबुक पे ही करना। हाँ? उसका फोटो खींचने के बदले उसका मुंह तोड़ देना चाहिए था। शट अप। वो गुंडा हो सकता था, उसके पास चाकू भी हो सकता था। थर्ड क्लास लोग हैं, उनसे भिड़ना मतलब सिरदर्द, और मुझे कोई सिरदर्द नहीं चाहिए। दुनिया के सबसे फेमस लॉयर हैं मोहनदास करमचंद गांधी। वाओ, इसलिए तुम्हारा नाम मोहनदास रखा है।
पोस्ट को 2000 लाइक्स और 240 कमेंट्स मिले डैड। तो कल से आप भी लोगों की गाड़ी पे सुसु करना शुरू कर दो, लोग आपको भी लाइक करेंगे। पापा, क्या है? मोहन के बारे में आपने क्या सोचा है? ठीक है, सोच लूंगा। वो अच्छा लड़का है पापा, आपको वो बहुत पसंद आएगा। असल में प्रॉब्लम तुम में या उसमें नहीं है, ये उम्र ही ऐसी है। करेक्ट है, इस उम्र में हर कोई अच्छा लगता है। What do you mean, Dad? तुम्हारे सामने बीन बजाओ तो भी नहीं समझोगे। जब प्यार होता है तो लोग छोटे बच्चों की तरह सोचते हैं, पर शादी के लिए बड़ों की तरह सोचना चाहिए। गुड को डैड, अभी इसे पोस्ट करता हूँ। तो पापा, आप मोहन से कब मिलने वाले हैं? अगले हफ्ते पूर्णिमा है, तब तू उसे घर ले आ, मैं मंदिर में पूजा करूंगी, तेरे लिए कुछ मीठा बनाऊंगी। लेकिन तब तक कोई सिरदर्द नहीं, ओके? रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से ये जिंदगी में कभी चल नहीं पाएगा, और किडनी और लिवर पर चोट लगने की वजह से बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ते ही जा रहा है। इसकी कंडीशन को स्टेबल करने के लिए वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। ये दर्द सहन कर सकता हूँ, लेकिन ये कैसे भूलूं कि मेरे माँ बाप को मेरी आंखों के सामने मार दे। राजू, मैं तुम्हारे माता पिता को वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन उन गुनहगारों को सजा दिलवाने का वादा करती हूँ तुमसे। पवन राजू, शरद। योर ऑनर, मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मेरे क्लाइंट यहाँ नहीं आ सके, उनके पिता आईसीयू में हैं। ये रही उनकी हेल्थ रिपोर्ट। इस केस की अगली सुनवाई इस महीने की 21 तारीख को तय की जाती है। मैं राजनीति में आने वाला हूँ। दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये क्या बकवास है? ये बहुत पैसे के लिए नहीं, जनता के लिए। आपके पिता कैसे सबका दिल जीत रहे हैं ना, वैसा आपको भी करना होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा इसे आगे बढ़ाए। Excuse me, sir. Please see that. नई नशा और महत्वाकांक्षा फिर से जिंदा करने के लिए हमारी पार्टी को एक जवान और जिंदा दिल लीडर की सख्त जरूरत है। वो मेरा बेटा है, इसलिए उसे वोट मत दीजिए, बल्कि हमारी पार्टी की प्रगति के लिए वोट दीजिए। प्लीज वेलकम माय सन मिस्टर शरद काले। यहां सबको बस एक ही चीज चाहिए, पैसा। मैं पार्टी के लिए एक साल में इतना पैसा बनाऊंगा जितना पिछले 5 सालों में नहीं बना। क्या आप चाहते हो आपके पैसे ट्रिपल हो जाए? Then select me.
हेलो, सरप्राइज पसंद आया? सॉरी, घर में घुसने के लिए डुप्लीकेट चाबी इस्तेमाल करनी पड़ी। अगर बॉक्स खोले ना तो बूम, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, और अगर नहीं खोला तो अपने आप 5 मिनट में ब्लास्ट हो जाएगा। डर? मैं डरी हूँ या तुम डर गए? इतने पैसे भेजे हैं, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही डर गए हो। पूरी जिंदगी वकालत कर लो फिर भी इतना नहीं कमाओगी, रख लो। एक्सीडेंट में जो मरे वो गरीबी के कीड़े थे। जिंदा लोगों को मरे लोगों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तुम्हारे पास तो आई विटनेस होगा, लेकिन तुम्हारा कानून बिक जाए, इतने पैसे हैं मेरे पास, तुम ये जंग नहीं जीत सकती। तो फिर इस तरह से गिड़गिड़ा क्यों रहे हो? ताकि हम दोनों टेंशन फ्री हो जाएं। मैंने तुम्हारे घर लक्ष्मी भेजी है। लक्ष्मी, ये केस छोड़ दो तो लक्ष्मी तुम्हारा घर कभी नहीं छोड़ेगी। आधे घंटे में अगर तुमने ये पैसे वापस नहीं लिए तो तुम्हारे घर इनकम टैक्स लक्ष्मी, एंटी करप्शन लक्ष्मी को तुरंत भेज दूंगी। तुम्हारी सोने की दीवारें गिराकर तुम्हें लोहे की हथकड़ियां पहनाएगी। सोने के बदले तुम लोहा लोगे, इतने बेवकूफ तो नहीं। डैड, लुक एट हिम। सर, शरद बाबू आज मजाक के मूड में है। मोहन प्लीज चलो यहाँ से चलते हैं। पेप्सी लाने में इतना टाइम लगाता है? बेवकूफ कहीं का। ठीक से कोल्ड ड्रिंक डालना भी नहीं आता, वेटर किसने बनाया तुझे? वेटर के साथ इतनी बेइज्जती से पेश क्यों आते हो? ये तुम्हें गर्मा गर्म खाना लाकर नहीं देते हैं? तुम्हें फ्री में सर्विस नहीं देते हैं क्या? फोकट का खाने वाले की और कितनी सेवा करेंगे ये? जैसा तुझे मारा है वैसा एक कस के चाटा मार इसको। अपने गुस्से को इसके गाल पे उतार, दबा के मत रख। तू सही है, ये गलत है, मार इसको। यूनिफॉर्म वाले पर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? यूनिफॉर्म पहना हुआ कोई भी इंसान जनता ही है, और हर एक इंसान जिसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी वो भी पुलिस ही है, और यूनिफॉर्म पहनकर जो शराब पीता है वो ना तो इंसान है और ना ही पुलिस है। फिर कभी किसी मासूम पर अत्याचार किया तो नंगा करके मारूंगा।
ये सातवीं बार है जो इसने पब्लिक प्लेस में मारपीट की है डैड। ये मेरा जीजा बनेगा, आपका दामाद बनेगा। उसका क्या भरोसा, वो आपको भी मार सकता है। सही बोला ना मालिक। पापा अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो कुछ अलग नहीं करता, वो भी वैसा ही करता ना पापा। ये भी सही है। गुस्सा तो सबको आता है लेकिन कोई उसके जैसा नहीं करता। इंसान में मैनर्स होने चाहिए। मालिक आप हमेशा सही बोलते हो। पापा मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे सुधार दूंगी। गुस्सा करने वाले कभी नहीं सुधरते। अच्छा होगा तुम एक बार फिर उस लड़के के बारे में सोच लो। हाँ डैड, वो सरदर्द है। अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे सुधरने का मौका देना चाहिए ना पापा। ये भी सही है। उसे एक मौका दे दीजिए पापा प्लीज। श्रीपाद ये तेरी बेटी है। मालिक ये बात सही है क्या? शट अप। क्रोध करना पाप है। क्रोध करना पाप है। क्रोध क्यों करते हो? जो क्रोध को त्यागता है जीत उसी की होती है। मैं आप सब लोगों को एक ही चीज सिखाऊंगा, इसे शांत करना। नहीं, इसका मतलब क्रोध कैसे शांत करते हैं। बिन लादेन को क्रोध आया था, उसे पता नहीं था उसे शांत कैसे करे, तो उसने अमेरिका के ट्विन टावर्स को मिट्टी में मिला दिया। एक रास्ते के कुत्ते को भी क्रोध आया था, उसे भी शांत करना नहीं आया, और उसने एक हीरोइन को काट लिया। सब बकवास है। शराब और गुस्सा कोई नहीं छोड़ सकता। छोड़ सकते हैं, बेशक छोड़ सकते हैं। अभी तुम्हारी कला से मेरा गुस्सा कम करके दिखाओ। अगर नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे फाड़ के रख दूंगा। प्लीज कम ऑन स्टेज। आदम क्या आपको मुझ पर क्रोध आ रहा है? बहुत आ रहा है। सच में क्रोध आ रहा है? हाँ आ रहा है। बहुत ज्यादा आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। कंट्रोल नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है बे। पता है क्रोध आने पर आपको क्या करना चाहिए? क्या बोल। दोनों अंगूठे मुंह में डालने चाहिए। देखा, अब बकवास करने के लिए मुंह नहीं खुलेगा और मारने के लिए हाथ नहीं खुलेंगे। सो क्रोध इज कंट्रोल। हाँ देखा। जिन जिन लोगों ने ये कोर्स किया है वो सभी अब इतने शांत हैं कि कोई मुंह पर गोबर भी लगा दे तो आराम से पोछते हैं। आपका नाम? सरोजा। हेलो, एक्सक्यूज मी। प्रॉब्लम क्या है सरोजा? एक नहीं दो नहीं पूरे पांच लड़के हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लाइन में तो मैं भी हूँ लेकिन सबको सिर्फ मेरा जिस्म चाहिए, किसी को मेरा दिल नहीं चाहिए। इस गरीब को दे दो ले लूंगा। कोई इसकी तरफ देखता ही नहीं। मैं तो वही देखता रहता हूँ। वो खटखटाते रह गए लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। मेरे लिए तो खिड़की भी काफी है। मुझे जैसा लड़का चाहिए मुझे नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूं? बोलिए क्या करूं? जवाब दीजिए मुझे। कुछ भी मत करो, बिल्कुल कुछ मत करो। अपनी आंखें बंद करो। करो अब लंबी सांस लो। अब तुम्हें कोई भी लड़का नहीं दिखेगा। अब तुम्हें क्रोध भी नहीं आएगा। अपनी आंखें बंद करो और लंबी सांस लेती रहो। अब वो जिस्म से नहीं दिल से प्यार करेंगे, कुत्तों की तरह नहीं इंसानों की तरह। रिलैक्स। अरे इसके चक्कर में तो इन लोगों को भूल ही गया था। प्लीज 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 जाइए। कितनी सुंदर लगता है, अलग से ट्यूशन देना पड़ेगा। हेलो हैंसन, प्लीज कम ऑन स्टेज, प्लीज आइए। तुम्हें अपना क्रोध क्यों कम करना है?
जॉब बचाने के लिए या फिर घर बचाने के लिए? मेरी सरस्वती के लिए। प्यार के लिए? वेरी गुड सरस्वती, यू आर लकी स्वती। ये मेरी जिंदगी का ब्यूटीफुल चैप्टर है सच में। मोहन, अब तुम ध्यान की चरम सीमा पर पहुंच गए हो। अब तुम शांति के बाहों में हो और शांति की दुनिया में खो चुके हो। ये शांति कौन है? डरने की जरूरत नहीं, अब मन की शांति। दिल को अपने प्यार से भर दूंगी। हर लड़की को ऐसा लड़का चाहिए जो उसे बहुत अच्छी तरह से समझ सके, उसकी हर बात सुने। मेरा सपना तो पूरा हो गया। I'm so happy. सर, वहां सब कुछ ठीक है ना? Don't worry, सर. वकील उनकी धज्जियां उड़ा के रख देगा। क्या? मतलब कोर्ट में उनको हिला देगा, ये केस बंद करवा देगा। ओके। या परफेक्ट। ओके, नाउ लिटिल ऑन योर राइट लाइक दिस। Just hold on, sir. This looks better. Perfect. मैं शरद काड़े, आज भारत के संविधान को साक्षी रखकर इस राज्य का मुख्यमंत्री बनकर इसकी सेवा करने की शपथ लेता हूँ। शरद, शरद, शरद। Your Honor, शरद की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो आज नहीं आ सके। ये रही उनकी हेल्थ रिपोर्ट। थैंक यू माय लॉर्ड। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। हमारा आई विटनेस माइनर है, बच्चा है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, लेकिन जब भी कोर्ट गवाही देने के लिए बुलाता है वो स्ट्रेचर पर चला आता है। लेकिन शरद पूरी तरह से ठीक होकर भी कोर्ट में हाजिर नहीं होकर कोर्ट का मजाक उड़ाना चाहता है। डॉक्टर की रिपोर्ट है, आप चेक कर सकते हैं मैडम। चेक करने की जरूरत डॉक्टर की रिपोर्ट की नहीं, फेसबुक की है। फेसबुक? कोर्ट में जज के सामने मजाक कर रही हो? नहीं, उसे हेल्थ इश्यू कहकर आप कोर्ट में मजाक कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन? आई मीन इनके क्लाइंट शरद 5-स्टार होटल में अपने दोस्तों के साथ अपनी बीमारी सेलिब्रेट कर रहे हैं। व्हाट? सबूत के तौर पर उनके फेसबुक के ये फोटोज। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक शरद को अस्थमा है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ है, यहाँ तक कि वो एक मिनट से ज्यादा बात भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनकी लेटेस्ट कॉल डिटेल्स देखी जाए तो उन्होंने रोजाना मोबाइल फोन पर 4 घंटों से ज्यादा बातें की हैं। शरद जानबूझकर कोर्ट में नहीं आ रहा है, ये बात पार्वती ने जज के सामने साबित कर दी है, तो अगली बार शरद को कोर्ट में आना पड़ेगा। जज से बात कर लो। वो बात नहीं मानने वाला। शरद को इस बारे में कुछ मत बताना, ओके? हाय अंकल। हाय शरद। डैड, ये नेताओं को हमेशा हाथ जोड़कर खड़े रहना कंपलसरी है क्या? ऐसा करने से वो लोग बेवकूफ बन जाते हैं। रिलैक्स डैड, चिंता मत कीजिए। मैंने ऐसे 16 फोटो सिलेक्ट किए हैं जिसमें मैंने हाथ जोड़े हैं पब्लिसिटी के लिए। गुड, ये लो आगे।
इनमें से बेस्ट कौन सी है आपको डिसाइड करना है थ्रू योर एक्सपीरियंस। गुड जॉब, थैंक यू। थैंक यू सर। हम इस केस को कोर्ट में सेटल नहीं कर सकते हैं, बाहर ही करना पड़ेगा। लेकिन उस पार्वती को तकलीफ देने की या ऐसा वैसा कुछ करने का सोचना भी मत प्लीज। बेटे के केस को बंद करने के लिए आपने वकील को मरवा दिया, ये सबको पता चल जाएगा। वैसा करने से सिस्टम और पब्लिक दोनों आपके विरुद्ध हो जाएंगे। मालिक, सोचा नहीं था कि आप इस लव मैरिज को परमिशन दोगे। ए, बेवकूफ, ये अरेंज मैरिज है। लव कम अरेंज मैरिज। सुन प्रथमेश, तुझे भी ऐसी शादी करनी होगी। इसकी तो शादी हो चुकी है मोबाइल के साथ। अब पता नहीं ये मोबाइल के साथ बच्चे कैसे पैदा करेगा। लगता है बच्चे भी डाउनलोड करेगा। हाँ दादी, तू लंच पे आएगी या सीधा डिनर पे आएगी घर पर? आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। 3 फुल थाली और जलेबी तैयार रखिए। मोहन। हाँ माँ। जरा वहाँ रुकना, तो मुझे फल खरीदने हैं। आइए साहब आइए, ये सेब देखिए, 150 रुपए में। 150 ले लो, अच्छा है, अच्छा है। हाँ ताज़ा, एकदम ताज़ा। भाईजान, मैं चोर नहीं हूँ। भाईजान बचाओ मुझे, छोड़ो मुझे। भाईजान छोड़ो मुझे, मैं चोर नहीं हूँ। तू तो सिर्फ चोर ही नहीं है, मैं चोर नहीं हूँ भाईजान, झूठा भी है। भाईजान मोहन, चेन को भूल जाओ, छोड़ो इसे, चलते हैं, ये लोग सही लोग नहीं है। चेन देता है कि नहीं? मोहन प्लीज चलो यहाँ से, ये एरिया ठीक नहीं है, चलो। तो उसे मार क्यों रहा है? मोहन प्लीज चलो यहाँ से, तुम मेरी बात सुनोगे या नहीं? जानता हूँ कि मुझे कब सुनना है और कब नहीं सुनना है, तुम चुप रहो। पहले मेरी बात का जवाब दे, उसे मार क्यों रहा है तू? मोहन, Hey!
कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? बता, नहीं तो ये तेरी आखिरी सांस होगी। बता। रुक जा, बताता हूँ, बताता हूँ। जब माँ बेटा दोनों साथ में हो, तब दंगों का माहौल तैयार करो। दोनों को अलग करो। उन दोनों की मौत दंगों में हुई, ऐसा लगना चाहिए। जिंदा रहना चाहिए? क्या काले जिंदा रहना चाहिए? उसे सिर्फ कानून ही सजा देगा। काले के सामने आपका कानून कमजोर है। कमजोर है। ये लो, जाओ काले को मारकर जेल में चले जाओ और मुझे तड़प कर मरने दो। मेरी चिता को आग देने पुलिस वैन में आना। तुम रेबेलियन हो, मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है, लेकिन अगर तुम क्रिमिनल बन गए तो मैं नहीं जी पाऊंगी। काड़े को कानून के मुताबिक ही सजा होगी। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकी तो काला कोट कभी नहीं पहनूंगी। सर, माँ और बेटा दोनों बच निकले। डैड,
डैड, मैं नॉमिनेशन पेपर सबमिट कर रहा हूँ। ये लीजिए सर। शरद काले 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 शरद काले। We are extremely sorry. एक केस की वजह से हमें आने में देर हो गई। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। सर, क्या मैं सरू से बात कर सकता हूँ? कल बात करते हैं। मुझे अभी उससे बात करनी है सर, या फिर मैं अंदर आ जाऊँ? श्रीपाद मेरा दोस्त है, परिवार का सदस्य जैसे। तो ये तीन परिवारों का एक फैमिली कोर्ट जैसे ही है, तो इसे फैमिली पुलिस स्टेशन ही समझो। फैमिली मैटर्स फैमिली में ही सेटल हो तो अच्छा होता है। सरू, वो अभी परेशान है, तो आप मुझसे बात कीजिए। सरू, मेरी बात तो सुनो। आपकी कौन सी बात सुननी चाहिए और कौन सी नहीं, अच्छे से जानती हूं। सरू, प्लीज इस तरह से बात मत करो। तुम्हें सिर्फ इसका गुस्सा नजर आ रहा है, ये कितना प्यार करता है ये नहीं दिखाई देता? प्यार? हाँ, ये प्यार करता है। जो प्यार करते हैं वो प्यार करने वाले के लिए बदलते हैं, त्याग करते हैं। आपका बेटा स्वार्थी है, ये मुझे छोड़ सकता है लेकिन अपना गुस्सा कभी नहीं छोड़ सकता। सरू, इसके गुस्से का कारण स्वार्थ नहीं है, समाज सेवा है ना। बेटा सबसे लड़ता है और माँ बचाती है। देख रही हैं आप, मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मुझसे प्यार करे, जो मेरी बात को अहमियत दे, जो मेरे साथ एक खुशहाल जिंदगी जिए। अगर मैंने इससे शादी की तो कोर्ट के, पुलिस स्टेशन के और जेल के मैं जिंदगी भर चक्कर ही काटती रहूंगी। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें समाज में इज्जत की जिंदगी जीने दीजिए प्लीज। सरू, देखो, तुम लोग जब साथ में घूमा करते थे तो जो फोटो सेल्फी वीडियो निकाले होंगे वो मुझे दे दो। पता है कि तुम उसका मिसयूज नहीं करोगे, पर लड़की का बाप हूं, सावधानी रखनी पड़ती है। ये नया आईफोन है, अपना फोन मुझे दे दो। मोहन, मोहन, अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर दुख हो रहा है ना? लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। कम से कम अब एक अच्छी मां बन जाइए।
अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर दुख हो रहा है ना? लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। कम से कम अब एक अच्छी मां बन जाइए। बताओ तुम अमीर क्यों नहीं हो? मोहन, अमीर वही होता है जो दान देता है। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने मुझे मिलकर मारा माँ। अगर दर्द नहीं सह पाए तो डरपोक बन जाओगे। कराटे सीखो। तुम यही सोच रही होगी कि तुमने अपने बेटे को गलत रास्ता दिखाया है ना माँ? कसम खाओ कि फिर कभी तुम ऐसा नहीं सोचोगी माँ। सभी माएं सिर्फ उनके अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं, लेकिन बस कुछ ही ऐसी माएं होती हैं जो पूरे समाज को अपना बच्चा समझती हैं। मां, लोगों को चाहे कुछ भी कहने दो, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, मेरी मां ग्रेट है। कर्नाटक राज्य के प्रजापक्ष के यूथ इलेक्शन के सारे नॉमिनेशन फॉर्म्स में से शरद काले का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है। शरद काले के ऊपर कोर्ट में चल रही हिट एंड रन केस की वजह से पार्टी को ये कठोर फैसला लेना पड़ा। शरद काले के खिलाफ हमें ये प्रतिक्रिया प्रोसिक्यूशन लॉयर पार्वती से मिली। चलिए सुनते हैं उनका क्या कहना है। जो जनता को तकलीफ दे उसे जनप्रतिनिधि नहीं बनना चाहिए। पार्टी ने ऐसा साहसी फैसला लिया है, पार्टी को सल्यूट करना चाहिए। इससे मुझे शरद काले के खिलाफ कोर्ट में लड़ने के लिए और भी शक्ति मिलेगी। सर, वो वकील अब तक जिंदा कैसे है? शरद, छोड़ो उसे, मैं कह रहा हूँ। वो पार्वती बिकने वालों में से नहीं है। उसे मारने की भी कोशिश अगर आपसे नहीं होता तो मैं मारूंगा उसे। और फिर जेल में जाओगे ना? तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे डैड अब मिनिस्टर नहीं रहे, एक्स मिनिस्टर हैं, एक्स मिनिस्टर। इस पार्वती ने पुलिस प्रोटेक्शन लिया हुआ है, मैंने भी लिख कर दिया है। अगर उन दोनों मां बेटे को कुछ भी हुआ ना तो हम पर इल्जाम आएगा। तो करना क्या है? मैं उस दो कौड़ी के वकील के पैरों में गिर जाऊं? तुम अब नेता हो शरद, पॉलिटिकल प्रेशर को समझो। कुर्सी में बैठने तक हमें अपने गुस्से को काबू में रखना होगा, और कुर्सी मिलने के दूसरे ही पल मैं उन मां बेटों को तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। फिर चाहे जो करो, कोई नहीं पूछेगा। ए, आगे पीछे दिखता नहीं क्या तेरे को? मेरे बेटे के साथ कोऑपरेट कर लेती तो फिर ये रेप नहीं होता। अगर दूसरी बेटी को भी खोना नहीं चाहते हो ना तो फिर ये सब भूल जाओ। मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता मैडम। मूंछों के साथ मैं सिंघम जैसा दिखता था,
अब बिना मूंछों के जॉनी लीवर जैसा दिखता हूं। माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने मूंछ काट दी, क्या कुछ नहीं किया। जब भी उसका मुक्का याद आता है ना मुझे, ऐसी जगह दर्द होता है, वो याद आते ही मैं पागल हो जाता हूं। क्रोध को कंट्रोल करने की टेक्निक बताइए सर। क्रोध पाप है, पाप का भी बाप है। दुनिया में सिर्फ दो तरह के क्रोध हैं। पहला है सोया हुआ क्रोध, दूसरा कूदने वाला क्रोध। तो तुम मेरे गाल पर मारो। सर अगर मारने से मर गए तो मेरी फीस वापस कौन देगा? ये भैंसा मुझे मच्छर समझ रहा है, सबक सिखाना पड़ेगा। चलो भी, ये क्लास है, ये एक विद्या है। चलो मारो मारो मारो। ये पहला वाला है सोया हुआ क्रोध। तुमने मुझे मारा पर मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैंने अपने सोए हुए क्रोध को नींद से जागने ही नहीं दिया। ये दूसरा वाला क्रोध है, कूदने वाला क्रोध। ये मुझसे तुम पर, तुमसे इस पर और इससे वापस तुम पर कूदा। हर एक परिवार इस क्रोध से त्रस्त है। ऑफिस का क्रोध बीवी पर, बीवी का बच्चों पर, और बाद में बेडरूम में वो वापस तुम पर कूदता है। एक बात जानते हैं, जिन जिन लोगों में मैंने बदलाव लाया है उसका एक उदाहरण वो लड़का है। वो लड़का है सर? आपने उस ज्वालामुखी को शांत कर दिया? आओ। प्रभु हमें बचा लेना। हेलो यंग मैन, कैसे हो? हो गया हनीमून या अभी भी सोच ही रहे हो? सर खुले सांड के सामने आप लाल चड्डी पहनकर हिप हॉप कर रहे हैं। ए, मैं हिप हॉप, साल्सा, रोम्बा, सांबा, भरतनाट्यम सब कुछ करूंगा, क्योंकि ये मेरा शिष्य है। कैसे हो शिष्य? देखो मेरा मूड ठीक नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। इधर आइए सर, मूड ठीक नहीं है बोल रहे, ये लावा उगलता ज्वालामुखी है सर। ये लावा नहीं उगलता, ये प्रेम उगलने वाला ज्वालामुखी है। ठंडा ठंडा, कूल कूल, क्यों है ना? देखो बॉयस, ये मेरा पुराना स्टूडेंट है, चाहे कुछ भी हो जाए ये गुस्सा नहीं करेगा। मैं ये पानी इसके मुंह पर फेंक कर मारूंगा, लेकिन ये कुछ नहीं करेगा, ये शांत रहेगा। देखना है, देखोगे? ये एक भूखा शेर है, आप अपनी भालू जैसी शक्ल इसके सामने मत ले जाइए। ये क्रोध नहीं है, रिवर्स क्रोध है। इसे कैसे ठीक करते हैं ये मुझे पता है। आपकी मैयत में जरूर आऊंगा। हाँ बोलिए। अगर चाहती हो कि भविष्य उज्जवल हो तो नंदिनी लेट आउट में वेज ट्रेंड होटल में आ जाओ, जल्दी आओगी तो अच्छा होगा। चलो आ एक और डेमो दिखाता हूँ। इस ज्वालामुखी पर्वत को अब देखो मैं कैसे हिमालय बनाता हूँ। हाँ प्लीज सरस्वती आओ। प्लीज आओ सरस्वती, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तो तुमने इन सबको हमारा पैचअप कराने के लिए इकट्ठा किया, शर्म नहीं आती तुमको? तुम तो लवर्स थे ना, हेटर्स कब से बन गए? सरू तुम्हें यहाँ पर मैंने नहीं बुलाया। ए, बता इसको। देखा, हमेशा गुस्सा, पता नहीं पहले कौन मरेगा, तुम्हारा गुस्सा या फिर मैं। तुम अपने गुस्से के साथ जियो और मजे करो। सरू रुको, रुको सरू, सरू बारिश हो रही है। तुमने मेरे सपने, मेरा दिल, मेरा विश्वास सब तोड़ दिया। अगर मैं मर भी जाऊं तब भी मुझे देखने मत आना।
अध्यक्ष जी, मेरे बेटे ने इतनी बड़ी गलती नहीं की है। इनके बेटे ने नौकर की 12 साल की बेटी को रेप कर दिया और इनके भाई पर तो डबल मर्डर तक का इल्जाम दर्ज है। आपके दामाद पर भी तो बैंक फ्रॉड का केस दर्ज है। ना कौन कह रहा है, लेकिन तुम्हारे बेटे की तरह हम में से कोई नहीं पकड़ा गया। काले, चोर तब तक चोर नहीं होता जब तक पकड़ा नहीं जाता। अगर ये केस चलता रहा तो तुम्हारे बेटे को कोई पद नहीं मिलेगा, पार्टी में तुम्हारा दबदबा कम हो जाएगा। सरू, तुमसे प्यार करके मेरा जीना मुश्किल हो गया है। सरू, क्या हो रहा है? क्या हुआ? कहाँ हो तुम? सरू, हेलो। ए, कौन है तू? ए, काले साहब को फोन कर, तो सब समझ जाएगा। मोहनदास, सन ऑफ पार्वती। ब्रेकिंग न्यूज़ कैसी लगी? सरू को हम दोनों के बीच में मत लाओ। तुम एक अच्छे बेटे और एक अच्छे प्रेमी हो कि नहीं, उसकी तो बस ये एक छोटी सी परीक्षा है। आधे घंटे के अंदर वो विटनेस मेरे सामने होना चाहिए, नहीं तो जो चाकू तुम्हारी सरू के गले के ऊपर है ना, वो उसके गले के अंदर चला जाएगा। आधा घंटा किस लिए? सिर्फ 15 मिनट चाहिए। ग्रेट लवर। अगर मैं मर भी जाऊं तब भी मुझे देखने मत आना। Oh my God! अरे मालिक, ये हमारे फर्नीचर की ऐसी तैसी कर रहा है। ये क्या कर रहा है ये? अरे बाप रे, बाहुबली नहीं लग रहा है मुझे। अगले 24 घंटे में यहीं पर रहूंगा। जितने आदमी भेजना चाहते हो भेजो, लेकिन उससे पहले अपने बेटे का हंसता हुआ वीडियो निकाल लो, क्योंकि वो आखिरी हंसी होगी। कल से वो जेल में रोएगा, समझ लो। ए, इस प्रकाश काले की पावर को कम मत समझो। ए, तुम अब तक जिंदा हो, इसके पीछे तुम्हारे आदमी या फिर तुम्हारी पावर नहीं है, मेरी माँ है। लाइफ का सबसे वर्स्ट चैप्टर तुम हो। मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर तुम हो।
परेशानी की जड़ तुम हो। निकल जाओ इस घर से। वो हड्डियां तोड़ देंगे। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, आई डोंट माइंड। वो लोग मेरी हड्डियां नहीं तोड़ेंगे, तुम्हारी तोड़ेंगे। ये गुंडा राज है, हम एक सिस्टम में रहते हैं। मैं कायदे से चलता हूँ, मुझे पता है इसे कैसे संभालना है। मेरे मालिक का पावर क्या है वो तुम्हें पता नहीं है? एक फोन करेंगे तो समझ में आएगा। श्रीपाद, कमिश्नर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उस काले के बड़े बड़े कनेक्शंस हैं। What do you mean? उस पार्वती को पब्लिसिटी चाहिए, इसलिए वो ऐसे केसेस लेती हैं। तुम्हारा नसीब खराब है कि तुम इसके बीच में फंस गए हो। चिंता मत करो, इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है। सरस्वती ने मोहन के साथ रिश्ता तोड़ दिया था, अब फिर से उसे उसके साथ होने के लिए कहो। बाद में मोहन को प्यार का वास्ता देकर ये केस बंद करे ऐसा मनाने के लिए कहो। बेटा पीछे हट गया तो माँ भी हट जाएगी। बाद में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। ये क्या बकवास है, क्या तुम कुछ भी नहीं कर सकते? चलो देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। हेलो हेलो हेलो, डैड टेंशन मत लो, हमें किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। सिस्टम जितनी ही पावर आजकल सोशल मीडिया में है। हमारी सिचुएशन मैंने FB पर अपलोड कर दी है, मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, दे आर ऑन द वे। देखिए, वेरी गुड माई सन, मेरा भी एक अकाउंट बना। मालिक, हमारे घर के सामने ताजमहल बना रहे हैं क्या? डैड, मेरे एफबी फ्रेंड्स सभी के सभी हट्टे कट्टे हैं। डैड, इनकी तो हवा निकल गई। क्या हुआ, बॉडीगार्ड भाग गए? उन लंबी तलवारों से सोशल मीडिया नहीं लड़ सकता। वो पुल बनाने वाले, इलेक्ट्रिशियंस, सब्जी वाला, चाय वाला, इस्त्री वाला, सभी गुंडे हैं। अगले 24 घंटे आप में से कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। फेसबुक के योद्धा, इस घर में वेस्ट करने जितना पानी नहीं है। 24 घंटों के लिए इतना ही पानी हम सबको बांट कर पीना है। उन्होंने पानी का कनेक्शन काट दिया है। डैड, व्हाट? ये तो गया। हमारा सिस्टम पावरफुल लोगों के लिए म्यूजिक सिस्टम जैसा है, जब चाहे शुरू कर दिया, जब चाहे बंद कर दिया। अपनी गुंडागिरी जस्टिफाइड मत करो। मालिक, मुझे घर जाना है, बीवी का फोन आया था। मैं उसे क्या जवाब दूं मालिक? उसे बाहर जाना हो, घूमना हो, पड़ोसी ले जाएगा। उसकी आंखों में आंसू आए तो पड़ोसी पूछेगा। अगर उसे फिल्म देखने जाना हो तो क्या पड़ोसी लेकर जाएगा? अगर उसके मांग में सिंदूर भरना हो तो क्या पड़ोसी भरेगा? और उसे बच्चा चाहिए तो? समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, कैसा बुरा वक्त आ गया। बुरा वक्त सिर्फ घर के सामने आया है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं है। दादी की तबीयत खराब है कहकर एम्बुलेंस को बुलाया है, और गुंडों को पता ना चले इसलिए घर के पीछे का पता दिया है। एम्बुलेंस के यहाँ पहुँचते ही हम सब के सब पीछे के दरवाजे से भाग जाएंगे। मालिक, एम्बुलेंस आए या कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी आए, हम सब उसमें बैठकर निकल जाएंगे। मालिक, हाँ
दिल को अपने प्यार से भर दूंगी। सरू, सरू दरवाजा खोलो, सरू दरवाजा खोलो। सरू, चलो चलो चलो। अरे कहाँ है एम्बुलेंस? पूरा रास्ता खाली पड़ा है। गाड़ी आ गई मालिक। पूरी एम्बुलेंस। हाँ मैं वहाँ जाता हूँ और उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को गाड़ी यहाँ पर लाने के लिए कहता हूँ। आप यहीं पर रुको, जैसे ही एम्बुलेंस यहाँ पहुँचे यहाँ से कूद जाना। ओके संभल के जाना। अरे भानी, यहाँ 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 जाओ। अरे मैंने एम्बुलेंस बुलाई थी, आ जाओ। हाँ आ जाओ, आ जाओ। सर बेवकूफ जाहिल, गवार गुंडों ने हमारे घर को घेर लिया। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, हेल्प बचाओ। अरे उसकी हवा बंद कर दो। काले सर, वो लड़की का भाई घर से भागने की कोशिश कर रहा था, आपने उसे पकड़ लिया है सर, चमका दूंगा। उसकी जान लेकर क्या फायदा होगा, वो लोग डरे तो ही फायदा होगा। उसका दायां हाथ काट दो। हाथ पैर काटो बस। नहीं 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 नहीं, मेरे पास चलो चलो, मेरे पास दो ही हाथ है सर, बस सर, सर मुझे भीख नहीं मांगनी सर, एमपी पे पोस्ट कैसे करा लूंगा मैं? नहीं नहीं, ये तो पॉइंट पार्वती है, भागो यहाँ से, वो हमें गोली मार देंगे, भागो। जल्दी गाड़ी चला, गाड़ी चला। अरे जान बचाकर भागो यहाँ से, भागो, चलो जल्दी। हेलो मिस्टर श्रीपाद राव, दोनों में से एक चुनो, तुम्हारा परिवार या फिर वो बेकार सी वकील। परिवार सर, परिवार। मैं क्या करूं बताइए, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे सिर्फ इस बखेड़े से बाहर निकलना है, मुंबई दिल्ली कहीं भी तबादला करवा लूंगा। प्लीज सर, प्लीज सर, मुझे बताइए क्या करना है, प्लीज सर, प्लीज सर। मिस्टर राव, ऐसे गुंडों के सामने आपको झुकने की कोई जरूरत नहीं। मोहनदास, अपनी माँ को मुंह बंद रखने के लिए बोलो। दूध में जहर हो सकता है, सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है, या इलेक्ट्रिक शॉक से सारा घर जल भी सकता है, बोलो। इनमें से कौन सा तरीका पसंद आया तुम्हें मरने के लिए? लेकिन उन्हें बचाने का तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो विटनेस मुझे सौंप दो। अभी भी वक्त है, तुम अच्छे बेटे हो कि लवर, जल्दी डिसाइड करो। सर 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 सर, कोई गलतफहमी हो गई है सर, मेरी बहन आपको सारी सच्चाई बताएगी। आओ, बताओ तुम इससे प्यार नहीं करती? हाँ सर, हम कुछ वक्त साथ में थे, हम साथ में घूमे भी। ए, ये सब किसने पूछा? कहो से प्यार नहीं करती? Yes sir, I hate him, I hate him. प्रोटेक्शन की मांग की थी ना, हमारे साहब ने भेजा है। ओह थैंक गॉड। हम आपको प्रोटेक्शन जरूर देंगे, लेकिन आप लोगों को घर के अंदर ही रहना होगा।
हमारी इजाजत के बिना अगर एक भी कदम घर से बाहर रखा तो फिर आपकी जिंदगी के हम जवाबदार नहीं होंगे। ए, क्या बोल रहे हो तुम? हमें प्रोटेक्शन देने आए हो ना? अरे बचाने आए हो या मारने आए हो? अरे तनख्वाह किस बात की लेते हो तुम? जब भी कोई हमारे खिलाफ खड़ा हुआ हमने उसे मार दिया, लेकिन वो घटिया वकील और उसका बेटा 8 घंटों से हमें चुनौती देकर भी जिंदा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? चुनौती नहीं, अब वो प्रकाश काले के चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस चुका है। अब तक वो दोनों माँ बेटे उस विटनेस को बचा रहे थे, लेकिन अब वो उसी घर में बंदी हैं जिस घर को वो बचाना चाहते थे। इस चक्रव्यूह की भनक उन्हें लगने मत देना। हमारे आदमी इस शहर का चप्पा चप्पा छान कर उस विटनेस को ढूंढ निकालेंगे। सर, शरद बाबू ये केस हार सकते हैं ऐसा हाई कमांड सोच रही है, इसीलिए वो इलेक्शन में टिकट नहीं देंगे, ये खबर पक्की है। ये क्यों अभी फोन कर रहा है? बोलो काले। मेरा बाप पॉलिटिशियन था, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मेरा बेटा और उसका बेटा भी पॉलिटिशियन ही बनेगा। हमारा जन्म ही राज करने के लिए बना है। ये केस मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता, समझ गए? जिनके ऊपर भी अब तक केस लगे हैं ना, वो सब राज कर रहे हैं, और मेरा बेटा भी राज करेगा। हेलो, मैं लव बर्ड मैट्रिमोनी से दयानंद बोल रहा हूँ। बोल दो, मैं नहीं हूँ, कल फोन करना। हेलो, यहाँ शादी का माहौल नहीं है, मैयत की तैयारी हो रही है, आप हमारी मैयत पे जरूर आना है। सर, आपने कहा था ना कि कोई गुंडा आपकी बेटी के पीछे पड़ा है और उसकी जल्द से जल्द शादी करवानी है। इसे भी अभी कॉल करना था। हेलो हेलो हेलो, हेलो सर, मॉल लाइफ इंश्योरेंस से महेश बोल रहा हूँ। एक बात बताओ, इंश्योरेंस लेने वाला इंसान मर गया तो पैसे किसको मिलेंगे? ऑब्वियसली सर, उनके परिवार वालों को। अगर पूरा परिवार मर गया तो? क्या कह रहे हो? परिवार के बाद नौकर को मिलना चाहिए, ऐसा कोई कानून बनाओ ना। डैड, गुंडे भाई साहब, अगर आपको मारना है तो इन्हें मारो, मेरे मालिक को मारो, उनके बेटे को मारो, उनकी माँ को मारो, मैं तो सिर्फ एक नौकर हूँ। सरू, नीचे छुप जाओ। This is horrible, Dad.
आप हमेशा कहते थे कि सरदर्द नहीं चाहिए नहीं चाहिए, एक पत्थर सर पे गिरता तो सर ही नहीं रहता। चुप रहो। सुनिए, काले बहुत ही बुजदिल है, वो हम सबके दिलों में डर पैदा करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। ये प्रॉब्लम कल कोर्ट की तारीख आने तक खत्म हो जाएगी। तब तक आप सब लोग हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। मोहनदास, आहा, क्या नाम है? एक वो मोहनदास थे जो अहिंसा से लड़े थे, और आज जिसने मेरे पूरे परिवार को परेशान कर रखा है, ये कैसा मोहनदास है? मिस्टर श्रीपाद राव, शायद आपने गांधी जी को पूरी तरह से पढ़ा ही नहीं है। सत्याग्रह ही गांधी जी का गुस्सा था। उस मोहनदास के गुस्से का कारण ब्रिटिश थे, और इस मोहनदास के गुस्से का कारण काले जैसे बदमाश लोग हैं। को कम करना बाकी है मुझे। भाई, कोई पागल जैसा आदमी घर की तरफ आ रहा है, क्या करूं इसका? जाने दो से, बाहर के लोगों को लगना चाहिए कि सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है भाई। हाय सरू। हाय सर, मुझे लगा तुम और मोहन लैला मजनू, रोमियो जूलियट, सलीम अनारकली जैसे हो, ऐसा मुझे फील हुआ था, लेकिन वो तुम्हारे जरा भी लायक नहीं है। सर, घर के बाहर सिर्फ दो बेवकूफ से दिखने वाले चौकीदार रख देने से आप सुरक्षित नहीं हो जाते। मोहन पर पुलिस स्टेशन में जितने केस दर्ज हैं, उतने बाल तो हम लोगों के सिरों पर भी नहीं है, ये मैं कसम खा के कहता हूं। तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया, ये सिर्फ काफी नहीं है। मैं यहां आपसे ये कहने आया हूं कि आप जल्द से इसकी शादी करवा दीजिए। ये मोहन सिर्फ आपके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए खतरा है, धोखा है, बीमारी है, प्रलय है। ब्रो, मैं न जाने कितने देशों में घुमाऊं, और मैंने 4,000 शिष्यों से भी ज्यादा का क्रोध शांत किया, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा क्रोध शांत नहीं कर पाया। क्यों 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 क्यों? आइए मेरे साथ। मिस्टर शांत कुमार, मन को शांत करके उन गुंडों को शांति के साथ यहां से जाने के लिए मनाइए। मना लिया तो? जिंदगी भर आपका शिष्य बनूंगा, और आपके स्कूल का ब्रांड एम्बेसडर भी। सारे शहर को इसके क्रोध का पता है, अगर ये मेरी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बन गया तो मेरा बिजनेस डबल हो जाएगा। मुझे 9:30 दो, पकड़ो। हेलो, इधर आओ, इधर आओ, आओ, आ जाओ, आ जाओ। क्रोध पाप है, पाप का भी बाप है। मेरी स्पेशल क्लास में आने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। तू हमारे पास आया है, समझा? ठीक है, तो क्रोधित क्यों हो रहे हो? ठीक है, मैं ही आया हूँ, मैं सबके क्रोध को शांत करने वाला देवदूत हूँ। मतलब तुझे कभी गुस्सा नहीं आता? मेरा नाम ही शांति कुमार है, मतलब ओहो, साइलेंट कुमार। अब भी गुस्सा नहीं आया? कौन कौन कौन? अभी भी गुस्सा नहीं आया? क्रोध पर जिसका काबू है वो राजा है। तो फिर तू हमारा राजा है और हम तेरे गुलाम हैं। क्रोध पाप है, अभी मारो इसे। अरे सर, उस पागल को बचाइए सर। सांप के बिल में हाथ डालोगे तो काटेगा ही ना। तुम में से इस लाइन को कोई क्रॉस नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा, और अगर तुम में से कोई एक भी इस लाइन के एक कदम भी आगे आया, आ गए, ठीक है, मैं एडजस्ट कर लेता हूं। अगर
किसी ने एक और कदम आगे बढ़ाया तो यहाँ गिरने वाली लाशों का जिम्मेदार मैं नहीं होगा। अगर फिर से एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं इस तलवार से क्या करूंगा, तो मैं खुद का गला काट दूंगा, खुद का गला काट दूंगा। डर गए ना? This is called chasing the fear. Effortlessly, smoothly, shamelessly, bravely, gently, Bruce Lee, Charlie. भागने का रास्ता कहाँ है? इधर है। अब भागो। विटनेस का क्या हुआ? अब तक तो ढूंढ लिया होगा उसे। फोन करो उसे। Put him on speaker. सर, 4000 डॉक्टरों के घर पर देखा। 1400 से ज्यादा क्लिनिक्स चेक कर लिए हैं सर। 800 नर्सिंग होम में देख लिया है भाई। सारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स को देख लिया है सर, कहीं नहीं मिला। उसने उसे कहां छुपाया है? उसने विटनेस को कहां छुपाया है? चालाक है ना तुम? सबसे वो चालाक है ना? और तुम बेवकूफ हो। बोलो हो ना तुम बेवकूफ हो ना? हो कि नहीं? रुक जाओ शरद, क्या कर रहे हो? तुम बेवकूफ हो कि नहीं? उसने उस फिटनेस को कहां छुपाया? हेलो, कहाँ पर हो? रिंग रोड के पास में हूँ। देखो अलग अलग रास्तों पर घूमो और शहर के बाहर बिल्कुल मत जाना, ओके? हाँ। मंगला को फोन दो। हाँ मोहन बोलो। हाँ राजू कैसा है? फिलहाल वो ठीक है, लेकिन मोहन उसे जल्द ही हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। ठीक है सर, पक्का सर। मैडम प्लीज बात कीजिए, आपके भले के लिए कह रहा हूं, बात कीजिए। हेलो सरस्वती, तुम ही बताओ, अगर कोई बाप बच्चे के बारे में सोचे तो क्या गलत है उसमें? कुछ गलत है क्या? नसीब ही खराब था जो उस कार के ब्रेक फेल हो गए और वो एक्सीडेंट हो गया। बदनसीबी से मेरा बेटा उस कार में था। मेरा बेटा तुम्हारी तरह जवान है, पढ़ा लिखा है, पॉलिटिक्स में उसका अच्छा फ्यूचर है। सिर्फ एक हादसे की वजह से उसके फ्यूचर को खराब करना, ये सही है क्या? एक बाप विनती कर रहा है, मेरी बस एक मदद कर दो। कैसी मदद? उस घर से बाहर निकलो, मेरे आदमी तुम्हें सेफली मेरे पास ले आएंगे, मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा जैसे ही मोहन मुझे विटनेस सौंप देगा। सुनिए, मेरा इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ मेरे बेटे की खुशी चाहिए। तुम अपने परिवार से प्यार करती हो? करती हूँ। अगर मेरे बेटे को सजा हो गई ना, तो मैं तुम्हारे परिवार में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
उसे रास्ते से उड़ा दो। मेरा गुस्सा मंजूर नहीं है, मुझे तुम्हारा उसके घर जाना मंजूर नहीं है। पीछे ले, गाड़ी पीछे ले। क्या कर रहा है, जल्दी कर। अटक गया भाई। अरे पुलिस, मैंने यहाँ किए 20 खूनों के तुम गवाह हो। कोर्ट के चक्कर काटने के लिए तैयार रहना। बचाओ, 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 बचाओ मुझे। हॉस्पिटल चल, हॉस्पिटल चल। तुम मेरी जिंदगी में आए ही क्यों? और मेरा परिवार ये सजा आखिर क्यों भुगते? हाँ सरोग, कुछ ही घंटों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये केस कल खत्म हो भी जाएगा, पर काली का डर नहीं। तुमसे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। सरू, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे परिवार को शांति से जीने दो। सरू प्लीज भरोसा रखो, कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना। हाँ तुम हो और हमेशा रहोगे। मैं भी यहां हूं, तुम्हारे साथ रहूंगी, तुमसे शादी करूंगी। काले जैसा कहता है वैसा ही करो। मैं, तुम, तुम्हारी माँ, सारा परिवार सब खुश रह पाएंगे। मोहन छोड़ो मुझे। मेरी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करता रहूंगा, लेकिन ऐसी एक्सचेंज ऑफर देकर प्यार का गला मत घोटो। तुम जिंदा रहे तो मेरी बेटी शांति से नहीं जी पाएगी। भले ही मुझे जेल हो जाए, तुम्हें मारना ही पड़ेगा। मुझे मारिए गोली, पहले मुझे मारिए गोली। समाज के राक्षस से लड़ने के लिए जिसने इसे इस तरह का इंसान बनाया, आखिर वो मां मैं ही तो हूं। इसलिए पहले मुझे गोली मारिए। अन्याय करने वालों के आगे कभी झुकना मत, अन्याय करने वालों के विरुद्ध हमेशा खड़े रहना मैंने ही सिखाया, इसलिए पहले मुझे ही गोली मारिए। हमारी जान देने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन हम इज्जत की मौत मरेंगे। हम वो बुजदिल नहीं है जो रोज तिल तिल कर मरते हैं। अन्याय के खिलाफ चल रही हमारी इस लंबी लड़ाई में मैंने अपने पति
पति तक को खो दिया। लेकिन मैंने कभी इस रास्ते पर से अपने कदम पीछे नहीं हटाए, इसलिए उन्होंने मेरा पैर काट डाला। एक औरत से हार कर आपको शर्म नहीं आ रही? लेकिन मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं हारूंगा। भेज दिया, शार्प शूटर्स को भेज दिया। सिर्फ एक घंटे में उस घर में कोई जिंदा नहीं रहेगा। डोंट बी स्टूपिड शरद, उन्हें कॉल करके जल्दी वापस बुलाओ। शरद ये क्या कर रहे हो तुम? व्हाट इज दिस, ये क्या बकवास है? शरद स्टॉप दिस नॉनसेंस। सिम कार्ड निकालो, जल्दी करो। डैड स्टॉप इट, डैड आई सेड स्टॉप इट। सिम कार्ड फोन में डालो। हाँ सर, जल्दी करो जल्दी। हाँ सर, अब तक कोई भी प्लान नहीं चला, अब मेरा प्लान खराब मत कीजिए डैड। छोटे जॉन, यस। आपके लिए क्या आपका पॉलिटिकल करियर मुझसे भी ज्यादा जरूरी है? ऐसा नहीं है शरद। मुझे बताइए डैड, आप मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं? आप मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं? लाइफ का सबसे वर्स्ट चैप्टर तुम हो। सरू क्या हुआ? मुझे माफ कर देना, मुझे सारी जिंदगी तुम और तुम्हारा गुस्सा मेरे साथ चाहिए। इनसे मिलो, इस देश का सबसे बड़ा वकील। सेशंस कोर्ट के किसी भी फैसले का ये हाई कोर्ट पे स्टे ले लेगा। और अगर हम इंडियन जुडिशियल सिस्टम को झुकाने में असफल रहे, तो ये जेल के कमरे को कुछ ही घंटों में 5-स्टार होटल में बदल देगा। मुझे आपके कोई भी डैमेज कंट्रोल की जरूरत नहीं है, मुझे डैमेज करना है। वो माँ और बेटे जिसने हमें इतना टॉर्चर किया है, वो दोनों कोर्ट से घर वापस नहीं जाने चाहिए। वो दोनों ही अहंकारी बाप और बेटा जो बेरहमी से दूसरों की जिंदगी से खेलते आए हैं, उन्हें इस केस से अच्छा सबक मिलेगा और यही न्याय होगा। शरद,
शरद, शरद, आने के लिए शुक्रिया मिस्टर शरद। कानून हर इंसान को एक जैसा ही मौका देता है और जो अपराधी है उसे सजा जरूर देता है। ऑल द बेस्ट। ज्यादा हवा में उड़ो मत। मैं ये केस जीतूं या हारूं, पर तू और तेरा बेटा जिंदा नहीं बचेंगे। ऑल द बेस्ट। पवन राजू, पवन राजू, पवन राजू। राजू, उस रात तुमने इसी को देखा था ना? बताओ उस रात क्या हुआ था। बिल्कुल भी डरो मत। राजू, 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 मैं शरद काड़े भारत के संविधान को साक्षी रखकर इस राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेता हूं। सबूत ना होने की वजह से यह अदालत शरद काड़े को बाइज्जत बरी करती है। दिस केस इज क्लोज्ड। आज हमें इंसाफ, आज हमें इंसाफ मिल जाएगा ना, मिल जाएगा ना आंटी। मुझे माफ कर देना राजू, मुझे माफ कर देना। ये आखिरी बार है। अब आज के बाद मैं किसी भी बेगुनाह को इंसाफ दिलवाने का वचन नहीं दूंगी।
Yes. Yeah. अरे हाँ आइए 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 सर, सत्य की हमेशा जीत होती है, ये बात साबित हो गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आ जाओ बेटा, मैं आपके स्टूडियो जरूर आऊंगा, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू। जज साहब के सामने अपना गुनाह कबूल कर। तुम्हारी माँ का टैटू बढ़िया है। अगर जिंदा रहना है तो जज साहब के सामने अपना गुनाह कबूल कर। कोर्ट ने मुझे पाइज्जत परी किया है। शरद काड़े सन ऑफ प्रकाश काड़े इज इनोसेंट। मोहन, पहले हमला तूने मुझ पर किया है, अब मैं तेरी जान ले लूंगा। सेल्फ डिफेंस। क्यों डैड? जाओ, कोई कुछ नहीं पूछेगा। मोहन, नहीं, तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे मंजूर नहीं है। तो राजू की मौत आपको मंजूर थी? कोर्ट का यह फैसला मंजूर था? ये बाहर रहकर मजे करे ये मंजूर है आपको? अब से आपकी मंजूरी के हिसाब से कुछ नहीं होगा। अब कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। ए, कबूल करेगा या मरेगा? क्या क्या कबूल करूं, मैंने तो बहुत गुनाह किए हैं और रुकने का इरादा भी नहीं है। मोहन, मीडिया वाले सब चले गए ना? हाँ सर, चले गए। उन पुलिस वालों को पैसे देकर बाहर रहने के लिए बोलो। ठीक है सर। कबूल कर। आज तक किसी ने भी मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तुझे भी नहीं उठानी चाहिए थी। तेरी उसे किसी तरह रोकिए। कबूल कर नहीं तो मरेगा। अबे खड़ा हो जा, आधी जान तो पहले ही जा चुकी है, तू मुझे मारेगा? हाँ? मैं नहीं, जनता मारेगी, यही जनता तेरी जान ले लेगी। ये लोग मुझे मारेंगे? ए पार्वती, तुम्हारे केस हारने से तुम्हारे बेटे का दिमाग खराब हो गया है। अब तक तो तुम बिना पति के रह रही थी ना, अब अपने बेटे के बिना जीने की आदत डाल लो। जब जनता को गुस्सा आएगा तू नहीं बचेगा। गुस्सा? और ये लोग फैन मिक्सर के लिए अपना वोट बेचने वाले और जरा सा डराने से भागने वाले, इनकी जाति धर्म का थोड़ा जप करो तो आंखें बंद कर पीछे आते हैं। ऐसे लोगों को गुस्सा आएगा? हुँ।
जरूर आएगा। ये पागल, जब लोग हमारे जैसे लोगों को देखते हैं तो उन्हें गुस्सा नहीं आता, उनकी चड्डी। ये देखो सब कैसे चुपचाप खड़े हैं। तू और तेरी माँ भी इन लोगों की तरह चुप क्यों नहीं रहते? वो भिखारी तुम्हारा क्या लगता था, भाई था, रिश्तेदार था या दोस्त था? मेरे जैसा, तेरे जैसा, वो भी एक पब्लिक ही था। ओ, पब्लिक वॉरियर, तो तुम इस पब्लिक के लिए लड़ते हो? मैं तुम्हें इसी पब्लिक के सामने मार कर इन्हें उसका गवाह बनाऊंगा। डियर पब्लिक, शरद ने इसे सेल्फ डिफेंस में मारा है और तुम सभी लोग कोर्ट में यही गवाही दोगे, समझ में आ रहा है ना? हर एक गवाह को मैं 1,00,000 रुपए दूंगा। ऑफिस में आकर अपना अपना हिस्सा ले जा। गुंडा कल हमारा मंत्री बनेगा, ये आप सबको लूट के चला जाए। इसने राजू के परिवार को खत्म कर दिया। कल आपके परिवार की बारी होगी। और तब ऐसे ही बुजदिली दिखाओगे तो क्या होगा, बोलो। अपने गुस्से को दबाकर मत रखो, पापियों पर निकालो, मार दो इसे। Yeah!
तुम लोग, जल्दी आओ यहाँ पर। सर, लोग गुस्से में पागल हो गए हैं, हम उनका कुछ नहीं कर पाएंगे सर, वो लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। तुम हमारे समाज के लिए एक सिरदर्द हो। ये लो। बहुत हुआ सर, जो अपने बच्चे को संस्कार नहीं देता उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मारो इसे। मैं ये नहीं हूँ सर, बल्कि एक आम आदमी हूँ। मारो, मारो इसे। परिवार को टॉर्चर किया, यू रास्कल। मारो इसे। मारो, तुम्हारे पानी का कनेक्शन काटेगा, मैं तेरा कनेक्शन ही काट देता हूँ, तेरी तो। मारो, मारो, मारो। ए, आम आदमी को पैरों की धूल की तरह समझा, उन्हें पैरों के नीचे आज तू कुचला जाएगा। एक ने मारा तो खून है, सारी जनता मारेगी तो दंगे का शिकार। मोहनदास सन ऑफ पार्वती बेकसूर है। प्रकाश काले ने उनकी कोर्ट में हुई जीत के उपस्थित जनता के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसकी वजह से उन्हें जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा और वहां हुए दंगे में वो दोनों मारे गए। कोर्ट ने उनकी मौत दंगे में हुई ऐसा घोषित कर दिया।